नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। अभी विश्व कोरोना वायरस के इस दंश को झेल नहीं पाया और एक दूसरी बीमारी पूरे विश्व पर हावी होने लगी है और ये भारत पर भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में कई बच्चों की जान ले चुकी रहस्यमय बीमारी भारत तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस से जुड़ी बताई जा रही है इस दुर्लभ बीमारी के लक्षण चेन्नई में एक 8 साल के बच्चे में देखे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी की वजह से बच्चे के पूरे शरीर में सूजन आ गई और शरीर पर लाल चकते पड़ गए। कोरोना वायरस जैसे लक्षण भी दिख रहे थे। इसके बाद उसे चेन्नई के कांची कामकोटी चाइल्ड ट्रस्ट अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। आपको बता दें कि इससे खतरा क्यों है और क्यों इससे डरने की जरूरत है, तो इस बीमारी से शरीर में मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम यानी जहरीले तत्व उत्पन्न होने लगते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसका असर कई महत्वपूर्ण अंगों पर भी पड़ता है। इससे एक साथ कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं और बच्चे की जान भी जा सकती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कोलकाता में 4 महीने के एक बच्चे में भी इस तरह के लक्षण देखे गए थे। यह बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद से भारत में भी डॉक्टर इस बीमारी पर नजर रख रहे हैं। लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इटली में शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस और इस बीमारी के बीच संबंध खोज लिया। उनके मुताबिक इस दुर्लभ किस्म की बीमारी है और इसे पीडियाट्रिक इन्फ्लामेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम नाम दिया गया। उत्तरी इटली के जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मामले ज्यादा सामने आए थे, वहां पिछले 2 महीने में इससे बच्चों के बीमार पड़ने की दर 30 गुना ज्यादा पाई गई। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC ने भी सिंड्रोम से पीड़ित 145 मामलों में कोरोना से संबंध होने की पुष्टि की है। वहीं WHO ने इसे लेकर खास सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। डॉक्टर मारिया वैन कोरखोव ने कहा कि बच्चों में इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम जैसे हाथों या पैरों पर लाल चकते निकलना, सूजन आना या पेट में दर्द होना कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखे तो अभिभावकों को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। संगठन के कार्यकारी निदेशक माइकल जेरियान का कहना है कि हो सकता है कि बच्चों में दिखने वाला मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम सीधे कोरोना वायरस के लक्षण न होकर वायरस के खिलाफ शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र अत्यधिक सक्रियता का परिणाम हो, इसलिए अभी और जाँच की जरूरत है। और अगर आपको जानना है तो इसमें हम डीपली में बताएंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला लक्षण है बच्चों को 5 या उससे ज़्यादा दिनों तक तेज बुखार, पेट में तेज दर्द और उल्टी या डायरिया की भी समस्या होती है। आँखों का लाल हो जाना और इसमें दर्द महसूस होना, बच्चों के होठ या जीभ पर लाल दाने भी आ जाना, बच्चों के शरीर पर लाल चकते पड़ जाते हैं, त्वचा के रंग में बदलाव, पीला खुरदरा या नीला होना, खाने में कठिनाई या कुछ भी पीने में समस्या आना, सांस लेने में तकलीफ या तेज सांस लेने की समस्या, सीने में दर्द या दिल की काफ़ी तेजी से धड़कना, भ्रम हो जाना, चिड़चिड़ापन या सुस्ती महसूस होना, हाथों और पैरों में सूजन और लालिमा आ जाना, गर्दन में सूजन हो जाना भी प्रमुख लक्षण है। आपको कुछ अहम बातों की जानकारी रखने की ज़रूरत है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका ज़्यादा असर देखा गया है। धमनियों में सूजन आने से हृदय को नुकसान की भी संभावनाएं बनी रहती है। जितनी जल्दी पहचान हो जाए ठीक होने की संभावना उतना ज़्यादा रहता है। यह कावासाकी बीमारी की तरह पर उपचार बिल्कुल अलग है। सिंड्रोम संभावित बच्चों के कोरोना संक्रमित हो जाना संभव है, और लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आपको मैं बता दूं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जर्नल ऑफ इंडियन पेडियाट्रिक्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई के इस बच्चे में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, कोरोना वायरस, निमोनिया और कवासा की बीमारी के लक्षण एक साथ मिले थे। इम्यूनोग्लोबुलिन टोसिलिव जो बैब दवाएँ देने के बाद वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी एक खतरा मंडरा रहा है इंडिया पर, और इससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और बिग न्यूज़ 9 की यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ फेसबुक पर आप हमें फॉलो करें और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं।